the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again So सभी का स्वागत है नमस्कार मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की भाई साहब गर्मियां हैं समर है और समर में फूड पॉइजनिंग बढ़ जाती है जी हाँ आपको बताया जाए फूड पॉइजनिंग बढ़ जाती है समर में क्यों बढ़ जाती है कैसे बढ़ जाती है और अगर हो जाती है तो आप क्या करेंगे समर के टाइम पे देखिए क्योंकि समर के टाइम पे बहुत सारे वाटर बेस्ड ड्रिंक्स आप बाहर से पीते हैं दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग खासकर अगर आप घर से बाहर हैं तो हमें हर दो तीन घंटे में आपको कुछ ना कुछ चाहिए आप कभी आ, गन्ने का जूस पीते हैं कभी बाहर से शिकंजी पीते हैं कभी नींबू पानी पीते हैं कभी क्या पीते कभी क्या पीते हैं और दो अभी कोरोना के चलते वो सब कम हो गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल कम होगा इसका मतलब ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि समर भाई साहब समर में फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं राइट सो फूड पॉइजनिंग ऐसे किसी भी तरीके के कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट पानी या फूड खाने या पीने से हो सकता है याद रखिएगा और ऐसे में आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है यह तो चलो एक पार्ट हुआ हाइजीन तो सबसे जरूरी आपको पता ही है एक पार्ट हुआ इसका कि बाहर से फूड जो आता है वो या बाहर का जो फूड है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है जो बाहर से आप लेते हैं लेकिन खुद का भी घर में भी बनाया हुआ फूड बिकॉज समर्स में पसीना ज्यादा आता है यू स्वेट मोर राइट सो दैट कैन लीड टू मोर अनहाइजीनिक सिचुएशन कंडीशन इवन आपके वेन यू आर मे बी कुकिंग फॉर योर फैमिली आप बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है आपके यू आर गोइंग आउट मान लीजिए किसी प्रकार के यू uh, नो you know, कोई पार्टी हो छोटी मोटी आप गेट टूगेदर हो उसमें भी बहुत ज़्यादा यू नो अनकंफर्टेबल पसीना आने लग जाता है और कई बार बाहर का खाना खाने के बाद तो फिर पक्की बात है आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है फूड पॉइजनिंग के आपको सिम्टम्स अब पता ही है कि आपका पेट खराब होगा आपको नोजिया वॉमिटिंग डायरिया डोमिनल क्रैम्स ऐसा कुछ हो सकता है ऐसे जो फूड पॉइजनिंग में टाइफॉइड बहुत तेजी से फैलता है सो टाइफॉइड इज वन ऑफ द फीको ओरल रूट वाला जो बैक्टीरिया है और ई कोलाई भी उसमें बहुत कॉमन है राइट मेनी वायरसेज आर ऑल्सो देयर हेपेटाइटिस ए वायरस है जो इस तरह से फैलता है ऐसे कई सारे जीवाणु कीटाणु इवन पैरासाइट वर्म्स हैं कीड़े हैं जो आपके शरीर में फिर पैरासाइट घुस जाते हैं दिक्कतें करते हैं फूड बॉर्न इलनेसेस से सो so, फूड को समर वेदर परफेक्ट कंडीशन है एक तो ये अनहाइजीनिक सिचुएशन होगी बाहर का खाना आपका पसीना लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ब्रीडिंग के लिए मॉइस्चर थोड़ा पसीना और समर की जो तो गर्मी है वो बहुत अच्छा है राइट ब्रीडिंग का बहुत ज्यादा ये आ जाता है समर और खासकर जैसे जैसे मानसून आने लग जाता है बीच में जो टाइम आता है दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट टाइम जहाँ पर इस तरीके की इलनेसेस खूंखार तरीके से फैलती हैं सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वरना आपको हो जाएगा दिक्कत याद रखिए फूड पॉइजनिंग अगर होगा तो फीवर भी आ सकता है वो आप कन्फ्यूज़ कर बैठोगे कि भाई मुझे डायरिया वॉमिटिंग कहीं करोना तो नहीं कुछ और तो नहीं है राइट लेकिन हाँ दिक्कतें हो सकती है अगर आपका फ़ीवर ज्यादा है वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तीन दिन से ऊपर हो रही है ब्लड आ रहा है वॉमिटिंग या डायरिया या फिर लूज मोशन में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और आप पानी नहीं पी पा रहे वॉमिटिंग होती जा रही है तब फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा याद रखिए उसमें आपने ज़रूर जरूर, जरूर जाके डॉक्टर को दिखाना अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अवॉइड करना है फूड पॉइजनिंग को सो so, इसीलिए आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर वन जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंपल सी चीज़ है वॉशिंग योर हैंड्स हैंड वॉशिंग साबुन पानी से जब भी आप किसी भी प्रकार के खाने पीने वाली पकाने वाली चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उससे पहले उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ों खासकर अगर नॉन वेज पका रहे हैं रॉ मीट एग्स फ्रेश एनी काइंड ऑफ चीज़ों को आप हाथ लगा रहे हैं उसको हाथ लगाने से पहले हाथ लगाने के बाद बहुत जरूरी है आपने हाथ धोना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसी प्रकार किसी भी तरह खाना खाने के पहले खाना खाने के बाद आपको हाथ धोना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग एट योर होम इज अगर आप नॉन वेज खाते हैं और नॉन वेज पकाते हैं तो वेज और नॉन वेज दोनों के लिए सेपरेट चॉपिंग बोर्ड्स यूज करें जो काटने के लिए जो जगह यूज़ करते हैं वो अलग अलग होनी चाहिए वेजिटेरियन के लिए अलग नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग राइट इसको बहुत ज़रूरी है और अगर आप एक चीज़ को वॉश यूज़ करते हैं तो उसको इमिडिएटली उसके बाद वॉश करें दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करें दूसरी चीज़ को काटने से पहले नंबर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका किचन क्लीन होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए वेल वेंटिलेटेड नहीं होता है तो पसीना भी टपकता है वहां पे हीट भी बहुत सारी आ जाती है एंड हीट से किस किस कोने में क्या क्या उगेगा यू नेवर नो सो डोंट डू दैट सो दैट इज नॉट गुड बाहर का पानी तो अंदर नहीं आ रहा बारिश का लेकिन यहाँ पर स्टीम्स और बिकॉज आपकी बॉडी बहुत सारा गर्मी वो वहां जनरेट हो जाती है सो यू नीड टू ऑब्वियस सी चीज़ है किचन को अच्छे से क्लीन रखना है हर रोज़ कोशिश करिए किचन की सफाई अच्छे अच्छे से सुबह शाम हो प्रॉपरली वहाँ कोई बैक्टीरिया ना हो <coughs> शॉपिंग आपको पता ही है आप बड़े केयरफुली कर रहे हो अभी कोरोना के चलते तो शॉपिंग भी प्लान करिए अगर आप किसी प्रकार का खासकर नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है नॉन वेजिटेरियन फूड ख़राब भी जल्दी होता है गर्मियों में और ख़राब के साथ साथ उसके अंदर इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी फैल जाते हैं सो रॉ मीट और ऐसी चीज़ों को आपने अलग अलग रखना है जब भी आप शॉपिंग करते हैं एक साथ नहीं रखना कार में अगर लंबे समय तक ट्रैवल होने वाला है और वो रखने वाले हैं तो वहाँ पे कूलर बैग या ऐसी कोई जगह रखिए जहाँ वो ठंडा रह सके उसका टेम्परेचर कूल मेनटेन रह सके रॉ मीट या फिर फ्रोजन है तो वो थॉ होने के लिए रख सकते हैं बट डेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉ फ्रेशली कट होता है उसको ऐसी रख दोगे गर्मी में तो कुछ ही घंटों में ख़राब होने लग जाता है सो डोंट डू देट उसके अलावा देखिए वैसे तो पिकनिक विकनिक कैंपिंग तो अब हो नहीं रही फिर भी अगर जाते हो आगे चल के तो ध्यान रखिएगा इसका कि पिकनिक पे जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर का खाने में बॉटल्ड वाटर लेना या <coughs> पानी सबसे जरूरी है बॉटल्ड वाटर या फिर उबला हुआ पानी गर्म किया हुआ पानी सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी खाना पीना जो है पैक करके खुद का ले जाओ सबसे अच्छा घर का बना हुआ खाने से बेटर कुछ नहीं अगर खा रहे हो बाहर तो थोड़ा देख लेना कि अच्छी जगह से ले रहे हो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई खाना आपका बच जाता है बाहर से घर से तो फिर उसको अलग से अच्छे से स्टोर करिए रेफ्रिजरेट करिए और लाइट चले जाती है और चार घंटे लाइट चलेगी तो रेफ्रिजरेटर में खाना खराब हो जाता है इस बात का भी ध्यान रखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हाँ चलो रेफ्रिजरेटर इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें ताकि अंदर हवा फैल सके बहुत इंपॉर्टेंट है हवा नहीं जाती इतना स्टैक कर देते हैं आसपास चीज़ें ख़राब होने लग जाती कभी कभी पीछे एक चीज़ सर्डरी गल रही आपको समझ में नहीं आता ये टमाटर किसने यहाँ रखा ये तीन दिन के ये ये क्या है इसको फेंके क्यों नहीं अभी तक फंगस लग जाती है चीज़ों में ऐसे ना करें ठीक है मेक <coughs> श्योर sure कि आप अपने घर में फ्रिज को रेफ्रिजरेटर को रेगुलर साफ़ करें अभी इन्फेक्शन होना आपके लिए अच्छा नहीं है ऑलरेडी बीमारियां फैल रही हैं और ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है ऑलरेडी डॉक्टर्स काम नहीं कर पा रहे हैं सो so, आपको भी डॉक्टर्स ना मिले उससे बेहतर है कि आप अपना बचाव खुद से करें तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है आप ध्यान में रखें फूड पॉइजनिंग के लिए प्रोबायोटिक जरूर लें आपने दही नॉर्मल टेम्परेचर पे दही लें ठंडा ना लें अगर ठंडा पसंद है तो ले सकते हैं ना गला खराब होता है मेरे जैसे तो मत ले। नॉर्मल टेम्परेचर में दही ले सकते हैं आप दिन में एक बार दो बार कोई दिक्कत नहीं है सुबह दोपहर रात को भी लेने में मना ही नहीं है कुछ लोगों को रात को लेने में गला खराब होता है कुछ लोगों का नहीं होता तो यू कैन टेक एज पर योर सुटेबिलिटी एंड पानी बहुत जरूरी है इसमें वाटर इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट कम से कम साढ़े तीन से चार लीटर पानी पीना है लोग कहते हैं सर मैं एक पीता हूँ मेरे को तो प्यासी नहीं लगती गलत है ये आप आपका सिस्टम खराब होगा आपका इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आएगी एब्जॉपशन में प्रॉब्लम आएगी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी आपको इंडाइजेशन हो सकता है वीकनेस हो सकती है न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो सकती है केवल पानी की के वजह से पानी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है आपके बॉडी के अंदर तो पानी दही प्रोबायोटिक फाइबर फाइबर के लिए आपने कुछ सैलड कुछ कुछ मात्रा में सैलड जरूर खाइए होल uh, ग्रेन्स खाइए उसमें उसमें फाइबर होता है ओट्स खा सकते हैं किनोआ खा सकते हैं किनोआ वट एवर अरे एनी काइंड ऑफ अनप्रोसेस्ड फूड इज बेड, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन चीज़ों के लिए और पेट को ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ और आठ घंटे की नींद इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा प्राणायाम करें थोड़ा सांस वांस ले ये पूरा कंप्लीट और हो गया आपका पूरा का पूरा ना तो फूड पॉइजनिंग होगी ना तो पेट की कोई बीमारी होगी फिर भी अगर चाहें तो आप सिंपल घर की जो स्पाइसिस हैं जो अजवैन है जो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी होती हैं पेट के डाइजेशन के लिए खाने में सलाद में आप नींबू या सिरका डालें वो बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए So all these things are good. सुबह गर्म पानी पी सकते हैं एक या दो गर्म या normal temperature वाला भी ले सकते करनी है, इस बार अपने बच्चों को अपने आप को अपने बड़ों को फूड पॉइजनिंग और किसी प्रकार की बीमारी से बचाना है। अच्छी लगी बातचीत तो शेयर करिएगा लोगों के साथ और कमेंट में बता सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है आपके मन में थैंक यू सो मच